Yes. Features of laissez-faire leadership style. Our first point is a full faith in subordinates. It means जो यहाँ पर subordinates हैं वही यहाँ पर main work कर रहे हैं, तो manager को यहाँ पर full faith है उनके ऊपर. So a prominent characteristics of this style is that manager consider their subordinates capable, active and responsible individuals and have full faith in them. ठीक है. Second is independent decision making system. In this style, management related decisions are taken by the subordinates instead of the manager. यहाँ पर जो decision लिए जाएंगे manager की जगह पर subordinates ले रहे हैं, तो they can however consult the manager. वो manager से consult कर सकते हैं. ठीक है. Next, decentralization of authority. ये style जो है वो किस पे based है? Decentralization की principle पे. So it means that the managers widely distribute their authority to enable every individual to determine his objective and make his plans accordingly. ओके. ये पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे जो भी उसका वर्क है उसको डेलीगेट करेंगे, डिसेंट्रलाइज करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स उनके वर्किंग को समझाएंगे और वो सब लोग अपने अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेल्फ डायरेक्टेड कंट्रोल. आफ्टर हैविंग वंस एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, ओनली द जॉब ऑफ मैनेजर इज टू इंटरफेयर ओनली इन एडवर्स सिचुएशन. अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तभी इसमें मैनेजर जो है वो इंटरफेयर करेंगे. ठीक है. द सबॉर्डिनेट्स एंड कंट्रोल इज डन बाय द एम्प्लॉइज थेमसेल्फ. अदरवाइज सारा कंट्रोल जो है वो सबॉर्डिनेट्स का ही रहेगा. इसके ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं इस स्टाइल की? डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स. इससे सबॉर्डिनेट्स के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज होता है. हाई लेवल मोटिवेशन, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एंटरप्राइजेस. यस. मेन इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? डिफिकल्टी इन कॉपरेशन. तो देर इज नो क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल बाय द मैनेजर. एवरीबडी स्टार्ट फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली. हर कोई इसमें अपने हिसाब से वर्किंग करनी स्टार्ट कर देता है. तो सम एम्प्लॉयज विद अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू बिकम अ हर्डल इन द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हर्डल्स बन जाते हैं. तो सच पीपल डू नॉट वर्क देमसेल्फ्स नॉर कैन दे सी अदरवर्ड्स. ना तो वो खुद काम करते हैं और ना ही वो दूसरों को भी देते हैं. तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द मैनेजर टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग सच एम्प्लॉयज. सेकेंड इसके लिए डिसएडवांटेजेस है लैक ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट. तो इन दिस स्टाइल द पोस्ट ऑफ मैनेजर जो है उसकी इम्पॉर्टेंस कम हो जाती है क्योंकि उसी के बिना सब वर्क जो है वो प्रॉपरली चल रहा है. तो इसलिए थोड़ी सी उसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो उसमें कम हो जाती है. नेक्स्ट इज सूटेबल ओनली फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज. ये स्टाइल सिर्फ तभी यूज होता है जब एवरी एम्प्लॉयज फुली एजुकेटेड सो दैट द वर्क कैन बी असाइन टू हिम विद फुल कॉन्फिडेंस. सो दिस लीडरशिप स्टाइल इज नॉट सूटेबल for leading uneducated or semi-educated people. Okay? So, suitability kar hai iski? When followers are highly skilled and experienced and educated, when followers have pride in their work and they drive it successfully on their own. Third is outside experts such as staff, specialists and consultants are being used. For these followers are trustworthy. Ya to aap unke upar bharosa kar sakte hain, wo experienced hain, wo skilled hain, wo educated hain. तो तभी आप ये स्टाइल जो है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं. ओके. सो द टॉपिक इज कंप्लीटेड नाउ एंड लर्न रिवाइज एंड राइट दिस टॉपिक इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट डे.